रमीज, बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी रही आज आपकी, 90 रन बनाए आपने और बड़ी आपने एक एंकर का रोल प्ले किया अपनी टीम के लिए, कैसा महसूस करें परफॉर्मेंस को लेकर? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी और इतना हौसला दिया कि जिस वजह से मैं आज एक बड़ी इनिंग और एक वाइटल इनिंग अपनी टीम के लिए खेल सका। सिचुएशन भी ऐसी थी कि 5 आउट थे, अर्ली ऑन 5 आउट हो गए थे और विकेट पे स्टे करना था, रन्स भी बनाने थे। बस एक ही मैसेज था कोच की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, मैनेजर की तरफ से, पूरी एक मैनेजमेंट की तरफ से एक ही मैसेज था कि जितना लंबा खेल सकते हो खेलो, हमें ज़रूरी नहीं है कि रन्स बनाएँ, बस विकेट पे स्टे करना है। तो वही एक चीज़ माइंड में थी कि खेलना है और जैसी भी विकेट है, जैसी भी सिचुएशन है, कंडीशन है, इसमें अपनी टीम के लिए जितना लंबा खेल सकता हूँ खेलूँगा। जैसे आपने कहा कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी गाइडेंस मिली थी आपको, आपकी आपके कैप्टन के साथ बड़ी लंबी एक पार्टनरशिप भी रही, तो जब क्रीज पे थे तो क्या बातचीत चल रही थी आपको? ऐसे तो कोई भी नहीं, बस वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे मुझे भी और यही बात हो रही थी कि बैट बॉल का इंतज़ार करना है, रन्स बनाने नहीं जाने, टाइम आएगा जब रन्स हमें खुद ही मिलेंगे। तो बस वो एक ही चीज़ कह रहे थे, आप अगर जितनी देर आप रहोगे ग्राउंड में उतनी देर हम रन्स बनाते रहेंगे। अभी सेंचुरी कंप्लीट ना हो सकी, उसका कोई दुख है आपको? बिल्कुल अफसोस तो होता है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर 90 रन्स किए, ये भी मेरे लिए 90 भी इस इनिंग में 100 के बराबर हैं, क्योंकि अर्ली ऑन 5 आउट हो गए थे जब बैटिंग करने गया हूँ, 20 रन पे 5 आउट थे और सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी इनिंग खेल जाऊँगा या कोई मेरे साथ पार्टनरशिप्स करेगा। बस यही था, जितना जा सकता हूँ जाऊँ, जितना लंबा खेल सकता हूँ खेलूँ, जो मेरी तरफ से अपनी टीम को कर दे सकता हूँ वो मैं दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।